नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वीडियो के सीरीज में दो सब्जेक्ट का वीडियो सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। एक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सीरीज चल रहा है और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीरीज चल रहा है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नए सब्जेक्ट का वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, इससे बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से इस इकोनॉमिक्स के वीडियो सीरीज को चालू किया है और धीरे धीरे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे और इस पे वीडियो हमारे आज से आते रहेंगे और धीरे धीरे से हम और से भी सब्जेक्ट को, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस सब्जेक्ट का भी वीडियो लेक्चर धीरे धीरे शुरू करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। तो क्या है इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का सृजन यानी कि उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब क्या है? तो सामाजिक विज्ञान का वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो एक तो हम किसी भी वस्तु या सेवा जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है, मानव जिसका उपयोग करते हैं, उसका उत्पादन, चाहे वस्तु हो या सेवा हो, चाहे सेवा में अगर बात करें जैसे कि हम बैंकिंग, इंटरनेट, रेलवे, ये सारी सेवा के अंतर्गत में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है वो सारी सेवा के अंतर्गत आए, और वस्तु जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सारे वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के बाद अगर गवर्नमेंट किसी चीज या किसी कोई कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो उसको किसी न किसी माध्यम से जनता तक पहुंचाना पड़ेगा, मानव तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? वितरण चाहिए। उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से वो सारी चीजों को करें, उसके बाद वितरण के बाद जो मानव है उसको एक्सचेंज किस तरह से, परचेज कैसे करेंगे, विनिमय कैसे करेंगे, तो विनिमय का भी अध्ययन करते हैं, साथ में मानव उस चीज का उपयोग कैसे करेंगे उसका भी हम अध्ययन इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसी के अंतर्गत यह भी आता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के स्वाभाविक वैकल्पिक उपयोग करने वाले साधनों और उनके प्रयोग के मध्य संबंध को स्थापित करता है। अब वैकल्पिक उपयोग क्या है? वैकल्पिक उपयोग क्या क्या हो सकता है? तो जो हम अपने जीवन में जो भी चीज उपयोग में लाते हैं उसके जो साधन है और उसको हम जो वस्तु है उसको उपयोग में लाते हैं, उसके जो साधन है उसको किस तरह से प्रयोग में लाना है उसका भी अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों देखिए, कोई भी वस्तु आया तो उसका उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? धन की आवश्यकता होती है। वितरण करेंगे तो भी हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी वस्तु को परिचित करते हैं तो भी हमें धन की आवश्यकता होती है, या उपयोग करें किसी भी चीज का, या उपभोग करें किसी भी चीज का, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। चाहे हम किसी भी उपभोग करने वाले जो साधन है, जो हमारे पास प्राकृतिक साधन है, उसको हम किस तरह से अपने प्रयोग में लाएंगे, जो साधन मेरे पास, सोच कीजिए कि किसी चीज का रॉ मटेरियल है, उसको पक्के माल में तैयार करने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे चीजों का भी एक इंटरलिंक है, या कोर में जो चीज आती है वो धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र को हम मुख्य तौर पर मोटा मोटी बात में अगर समझें तो इसमें जो है धन का अध्ययन किया जाता है। तो यही मैंने यहां पर लिखा है कि कुल मिलाकर इसको एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें हम धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करें वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बड़े बड़े दार्शनिक आए, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए, उन सबों ने अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा है। तो वो कौन कौन से प्रकार है? तो एक है व्यष्टि जिसको माइक्रो कहते हैं, एक समष्टि जिसको माइक्रो कहते हैं। अब व्यष्टि माइक्रो, नाम से ही माइक्रो है मतलब छोटा, और समष्टि माइक्रो मतलब बड़ा, मतलब छोटे लेवल पे अगर हम किसी किसी प्रदेश के किसी क्षेत्र के धन का अध्ययन करें तो वो
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आएंगे और समष्टि मतलब किसी बृहत किसी भी क्षेत्र के बड़े क्षेत्र के धन का जो अध्ययन धन के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो जो चीज है वो समष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए व्यष्टि और समष्टि का मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको देखिए। व्यष्टि माइक्रो क्या है, इसमें अर्थशास्त्र को बहुत छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या, तो पर व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का इनकम अगर सालाना कैलकुलेट करना होगा वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे पर कैपिटा इनकम, उपयोगिता, यूटिलिटी, किसी भी चीज का प्रति व्यक्ति के लिए यूटिलिटी या किसी छोटे भी क्षेत्र और शहर के लिए मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, ये सारे जो है वो व्यष्टि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसके पिता रैग्नर फ्रिक्स एक अर्थशास्त्री दार्शनिक अर्थशास्त्री थे, वो रैग्नर फ्रिक्स को इसके व्यष्टि इकोनॉमिक्स के पिता कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं एग्जामिनेशन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता का किसको किसको कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन में रहेंगे रैग्नर फ्रिक्स, वो आप उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है समष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से ही है, माइक्रो माइक्रो मतलब होता है बड़ा, तो माइक्रो इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं। बड़े स्तर पर क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं, तो बड़े स्तर पर क्या अध्ययन हो सकता है, तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, किसी राष्ट्र को अगर हम आय को कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है, ध्यान की एक आदमी का आय को कैलकुलेट करने के बाद। तो जैसे हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे तो वो समष्टि इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगे। टैक्स, टैक्स की किसी देश का या राज्य का हो सकता है, तो टैक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में आएंगे। उसी तरह से बड़े लेवल पर किसी चीज का, किसी देश का या किसी राज्य का बजट को कैलकुलेट करें या किसी देश या राज्य के प्लानिंग की बात करें तो वो सारे जो है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगे। इसके पिता जॉन केन्स को कहा जाता है, जॉन केन्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये अगर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है तो अर्थव्यवस्था क्या है, और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में संबंध और अंतर की बात करें दोस्तों, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के संबंध के रूप में देखा जा सकता है। अब सिद्धांत और अभ्यास क्या है, तो अर्थशास्त्र एक तरह से सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। सपोज कीजिए कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है या किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष में एक पेन, सपोज कीजिए ये पेन का प्राइस 2 रुपए से 10 रुपए के बीच में निर्धारित किया गया है, तो उस क्षेत्र के कुछ भागों में हो सकता है कि ये पेन 4 रुपए में भी मिले, वो 6 रुपए में मिले, ये 8 में मिले और ये 10 में भी मिले। तो जो 2 रुपए से 10 रुपए के बीच में निर्धारित एक प्रतिपादित किया गया है, एक मूल्य को बीच में रखा गया है, वही अर्थशास्त्र है, और किसी क्षेत्र विशेष द्वारा उस पेन के मूल्य को अपनाना ही अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली क्या है कि वो एक सिद्धांत लिखा गया है कि किसी भी क्षेत्र में कैसे अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, वो एक किताबी लाइन है, किताब में लिखा गया एक सिद्धांत है, लेकिन उस सिद्धांत को अगर किसी क्षेत्र में वो अप्लाई कर देता है तो वो उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था जो है किसी विशेष क्षेत्रों का अर्थशास्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास, जो सिद्धांत अर्थशास्त्र में लिखा गया है उसी को अभ्यास के रूप में उस क्षेत्र विशेष में अप्लाई करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो सिद्धांत और अभ्यास के संबंध में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अर्थव्यवस्था सिद्धांतों, रोजगारों इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था क्षेत्र विशेष में उस सिद्धांतों को अपनाने के बाद जो वास्तविक तस्वीर होती है कि हाँ भाई हमने उस सिद्धांत को अपनाया तो सही में हमें जो उत्पादन में वृद्धि हुई, रोजगार में वृद्धि हुई, तो वो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हुई उस सिद्धांत को अपनाने के बाद। तो यही हमने लिखा है कि अर्थशास्त्र सिद्धांतों और रोजगारों इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था क्षेत्र विशेष में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर है। ठीक है दोस्तों,
अर्थात कुल मिला के आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था किसी विशेष प्रदेश का अर्थशास्त्र होता है, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, सारे में अर्थशास्त्र जो उसका जो अर्थशास्त्र है उसके हिसाब से वो अपने क्षेत्र में उस अर्थशास्त्र को लागू किया, और एक की अर्थव्यवस्था दूसरे की अर्थव्यवस्था से भिन्न भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था रूसी अर्थव्यवस्था से भिन्न है, रूसी अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भिन्न है। तो अलग अलग सिद्धांत को, चूंकि ये सभी अमेरिका में अलग इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है, रूस रशिया में अलग इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है, भारत में अलग इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है, वहां हर देशों का सिद्धांत इकोनॉमिक्स का अलग अलग है, जिसके कारण से वहां के अर्थव्यवस्था भी अलग अलग है। तो यही हमने यहाँ पे अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स के बारे में अंतर और संबंध को इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र या उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं या क्यों हम उसको अपनाते हैं, तो अर्थशास्त्र का केंद्र या लक्ष्य, फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर मानव जीवन का बेहतरी रहा है। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को अगर हम कुल मिला के देखें तो हम धन का विज्ञान कहते हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से उसको सोचे तो वो धन का विज्ञान क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि मानव का जीवन को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए, उसके जीवन के स्तर को कैसे और सुधार किया जाए, उसके लिए जो धन के गतिविधि होती है, आर्थिक गतिविधि में क्या अंतर करने पड़ेंगे, उसके लिए अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर उसका लक्ष्य है कि मानव जीवन को कैसे बेहतर किया जाए। इसी के अमृत सेन को भी मानव जीवन के बेहतरी के लिए जो लिखा काम किया गया था, उसी के लिए अपने जो अमृत सेन जी हैं उनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो यही हमने लिखा है कि पृथ्वी पर मानव जीवन का बेहतरी रहा है, मानव जीवन में सुधार ही अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य रहा है, कि मानव जीवन में उसके जीवन स्तर में किस तरह से सुधार ज्यादा से ज्यादा किया जाए। कोई देश या अर्थव्यवस्था किन विधियों द्वारा अपनी क्षमताओं के अधिकतम जनसंख्या की खुशहाली के लिए उपयोग करता है। अब किन विधि द्वारा, अर्थशास्त्र में ये हमेशा प्रयासरत रहता है, अर्थशास्त्री हमेशा ये प्रयासरत रहता है कि आर्थिक किन गतिविधियों द्वारा मानव जो जनसंख्या है उसके अधिकतम से अधिकतम जनसंख्याओं को लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो यही हमने लिखा है कि अपनी क्षमताओं का अधिकतम जनसंख्याओं की खुशहाली के लिए उपयोग करता है, और अर्थशास्त्र इसी दिशा में हमेशा प्रयासरत रहा है और प्रयासरत रहा है, और इसी कारण से जो हमारे अर्थशास्त्री है समय समय पे वो अपने जो नॉलेज है उसको किसी क्षेत्र विशेष के लिए देते रहते हैं, और इसी क्रम में जो सबसे पहले और एक सशक्त कदम जो उठाए गए थे वो जो एक स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एडम स्मिथ, जो कि स्कॉटलैंड में ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो सबसे पहले अपना एक बुक प्रकाशित किया था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित किया गया था, और उसमें उसने अर्थशास्त्र के कुछ नए विचारों को उसमें दुनिया के सामने रखा, और उसको ही फॉलो करके अर्थशास्त्र का एक नया रूप दुनिया के सामने आया, और एक अर्थशास्त्र का एक नया अर्थव्यवस्था लागू दुनिया में किया गया, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको हम देखेंगे। तो अर्थशास्त्री के सुझाए गए मार्ग से जो अर्थव्यवस्था को संगठित किया गया कि कौन सी अर्थव्यवस्था का संगठन किस तरह से किया जाएगा और कौन कौन से प्रणालियों से आज के समसामयिक काल में देश अपने अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का संगठन की बात करें तो अर्थव्यवस्था का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी, माने इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा रहा है, उसका जो निर्भरता है कि किसी भी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है, वो मुख्यतः उत्पादन के नियंत्रण पे निर्भर करता है, कि किसी क्षेत्र विशेष में जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं को या वस्तुओं का या सेवा का, उस उत्पादन पे कंट्रोल किसका है, क्या सरकार का कंट्रोल है, उस क्षेत्र विशेष के सरकार का कंट्रोल है, या फिर स्वतः स्वचालित होता है, डिमांड और सप्लाई के अनुसार से बाजार यह तय करता है कि किसी भी वस्तु या सेवा का कितना उत्पादन और उसका कीमत क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फैक्टर के कारण से अर्थव्यवस्था का तीन तरह से
संगठन किया गया है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि अर्थव्यवस्था का संगठन निर्भर करता है उत्पादन के नियंत्रण पे। किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन का नियंत्रण कौन कर रहा है, उसी के अनुसार से अर्थव्यवस्था को संगठन को तीन भागों में बांटा गया है। तो संबंधित देशों के विचारधारा के अनुरूप विश्व में तीन तरह की संगठित प्रणाली है। अब तीन तरह की कौन कौन सी प्रणाली है, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। हम इस सब को बारी बारी से अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका उद्गम स्रोत एडम स्मिथ, जो हमने अभी आपको दोस्तों बताया था कि जो सबसे पहला और सशक्त प्रयास जिस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था वो थे स्कॉटलैंड के एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी, 1776 में एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ जो नेशन है वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। इसीलिए एडम स्मिथ को इस अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है भाई, तो इसमें है कि इस व्यवस्था में क्या उत्पाद करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होंगे, ये बाजार पर निर्भर करता है या वो बाजार ही डिसाइड करता है। बाजार किस तरह से डिसाइड करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। किसी भी चीज, किस वस्तु का या सेवा का कितना डिमांड है, जिसका ज्यादा डिमांड होगा वो ज्यादा सृजित किया जाता जाएगा, ज्यादा उत्पादित किया जाएगा, जिसका कम डिमांड है उसका उत्पादन कम होगा, वो बाजार ही डिसाइड करेगा। उसका कीमत क्या होना चाहिए, अगर ज्यादा उत्पाद ज्यादा डिमांड होने लग रहा है तो कीमत अपने आप रेज करेगा, अगर डिमांड में कमी हो रही है तो कीमत उसको उसका घट जाएगा। तो कीमत, उत्पादन या किस चीज का उत्पादन करना है ये स्वतः बाजार ही डिसाइड करेगी, इसमें सरकार का कोई आर्थिक भूमिका, उस क्षेत्र के सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। यही हमने लिखा है कि इसमें सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। इस तरह की अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो मुख्यतः यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और यूरोपियन नेशंस में इस तरह की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। इसको हम डिटेल्स आगे और भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के सिद्धांत महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स को जाता है कि कार्ल मार्क्स ने इस अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। कब दिया था, जब उन्होंने कार्ल मार्क्स ने 1867 में एक पुस्तक इसने लिखी थी दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक, दास कैपिटल। दोस्तों ये पुस्तक का नाम और उसका राइटर आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बराबर ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दास कैपिटल 1867 में जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी इसी में इसका उल्लेख किया गया, इसका कार्ल मार्क्स का इसमें विचार दिया गया है। इसीलिए कार्ल मार्क्स को इस राज्य व्यवस्था का स्टेट इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में क्या है दोस्तों, तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। पूंजीवादी में क्या था कि उत्पादन कीमत आपूर्ति सबका फैसला स्वतः होती थी, बाजार अपने आप ये डिसाइड करता था कि कौन सी वस्तु का उत्पादन होना है, उसका कीमत क्या है। लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया कि नहीं, किसी भी वस्तु का उत्पादन कीमत और उसकी आपूर्ति सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है जो कि गैर बाजारी होते हैं। अब स्टेट इकोनॉमी में भी दोस्तों, विश्व में स्टेट इकोनॉमी जहां जहां भी है उसमें भी दो तरह की शैलियां नजर आती है। क्या क्या है दो तरह की शैलियां, तो एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि रूस में पाई जाती है और एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो कि चीन में पाई जाती है। समाजवादी और साम्यवादी, तो समाजवादी और साम्यवादी में क्या है, तो सामाजिक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, जो वस्तुएं होती हैं उस पे सामूहिक नियंत्रण होता है और उसमें जो सरकार उसको चलाने की जो वहां की सरकार है उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। लेकिन साम्यवादी में जो है उत्पादन पे
तो सामूहिक नियंत्रण होता ही है, सरकार का नियंत्रण होता ही है, साथ में जो श्रम का संसाधन होते हैं जिसके द्वारा मजदूर मेहनत करते हैं उनके संसाधन पे भी सरकार का नियंत्रण होता है, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास पूरी शक्ति होती है, पूरी ताकत होती है सेवा को और उत्पादन को कंट्रोल करने के। समाजवादी व्यवस्था में थोड़ा सा कम सरकार के पास शक्ति होती है, लेकिन जो नियंत्रण होता है वो सरकार का ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन में पाए जाते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में पाए जाते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रास्ते का बदलाव है, मतलब कि साम्यवादी व्यवस्था चलती रही तो बीच में जाकर के वो परिवर्तित होकर के समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही रूप ले लेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये आज तक नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर चूंकि ये दोनों अर्थव्यवस्था को एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर कीमत उत्पादन और आपूर्ति बाजार डिसाइड करती है, तो सपोज कीजिए कि किसी भी चीज का उत्पादन डिमांड बढ़ते जा रहा है तो उसका प्राइस भी लगातार बढ़ते जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो गरीब वर्ग के लोग होंगे वो उस वस्तु को परचेज नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज इसमें बहुत बड़ी दोष थी। इसके अलावा अगर स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो अगर हर कुछ सरकार निर्धारित करने लगे, क्योंकि राज्य अर्थव्यवस्था में हर उत्पादन कीमत आपूर्ति सब जो है सो सरकार निर्धारित करती है, तो अगर हर चीज सरकार निर्धारित करे तो सपोज कीजिए कि इस पेन का प्राइस सरकार ने निर्धारित कर दिया 10 रुपए और इस पेन का डिमांड ज्यादा हो रहा है मार्केट में, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा कि उसमें खर्चे भी ज्यादा लगने लगेंगे, उत्पादन का लागत बढ़ जाएगा, श्रम संसाधन का लागत बढ़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 10 रुपए में अगर उसको फिक्स कर दिया है तो 10 रुपए में ये ज्यादा दिन तक बिकेगी नहीं, इसीलिए ये अर्थव्यवस्था में भी दोष आ जाएंगे और पूरी तरह से उत्पादन सही ढंग से हो नहीं पाएगा, सप्लाई चेन टूट जाएगा। तो इस दोनों अर्थव्यवस्था को दोष को देखते हुए एक नए अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कुछ इसके अच्छाई को और इसमें कुछ इसके अच्छाई बिंदु को लेकर के एक जगह समेटा गया और उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया, जो कि भारत इंडोनेशिया जैसे देशों में, सिंगापुर जैसे देशों में अपनाया गया। तो दोस्तों देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी, इस अर्थव्यवस्था में, इस तरह की अर्थव्यवस्था में उत्पादन आपूर्ति और कीमत सरकार और बाजार दोनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सरकार और बाजार दोनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का श्रेय दो आदमी को जाता है, कौन, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड किन्स और दूसरा पोलैंड के दार्शनिक थे ऑस्कर लैंड, ये दोनों को इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय जाता है। अब हुआ यूं कि जैसे 1929 ईस्वी में अमेरिका में महामंदी आई थी और जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1880 के आसपास में, तो उसी समय वो एडम स्मिथ, जिसे हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के पिता भी कहते हैं या फिर उनके सशक्त प्रयास, जो पहला सशक्त प्रयास के कारण, उसे हम अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है तो हम आंसर देंगे एडम स्मिथ को। आप पूंजी अर्थव्यवस्था में मैंने दोस्तों लिखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ को कहते हैं, लेकिन अगर पूरे अर्थव्यवस्था के पिता की भी बात करें तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए जो सिद्धांत दिया था कि हाँ भाई टोटल जो वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन और उसका कीमत आपूर्ति पूरे के पूरे बाजार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, तो उनमें से जो दोष हुए थे वो यही था कि जिसकी महंगाई बढ़ती जा रही थी तो उसको खरीद नहीं पा रहे थे और उसमें गरीब और मुश्किल में पड़ रहे थे। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स थे, वो उस समय अपना एक बुक प्रकाशित किए थे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में उनका बुक पब्लिश हुआ। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने अपने उस पुस्तक में कहा कि ठीक है, उन्होंने एडम स्मिथ के
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बहुत सारी बातों की खूबियों का प्रशंसा भी किया कि नहीं ठीक है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है जिससे मार्केट में ग्रोथ ज्यादा होगा। लेकिन इसके साथ ही हमें इकोनॉमिक्स का मूल सिद्धांत है कि मानव जीवन के कल्याण में और बेहतर करना, उसको भी ध्यान में रखना है। इसके लिए जो कुछ आवश्यक वस्तुएं होती है उसको गवर्नमेंट को या वहाँ की सरकार को स्वयं उत्पादन और वितरण शुरू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी को मानते हुए गवर्नमेंट जो है कुछ वस्तु और सेवा का उत्पादन खुद जरूरी सेवा का और जरूरी वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया जिसे पब्लिक गुड्स कहा गया, और जिसका उद्देश्य था कि जो हर एक मनुष्य तक, हर एक मानव तक न्यूनतम स्वास्थ्य, न्यूनतम पोषण, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका श्रेय जॉन मिनार्ड केन्स को दिया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ पहलू को अपनाया गया। सेम उसी तरह से जो बात जॉन मिनार्ड केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, उसी तरह से पोलैंड के दार्शनिक ऑस्कर लैंड जो थे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि उन्होंने समाजवाद अर्थव्यवस्था की कुछ बातों को बहुत प्रशंसा की कि सपोज कीजिए कि जो मनुष्य है, मनुष्य के न्यूनतम पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सफाई, ये सब का ध्यान सरकार रखती है, उस वस्तु का उत्पादन और सेवा करती है, लेकिन साथ में हमें मार्केट का ग्रोथ को भी देखना है, देश के प्रगति को भी देखना है। उसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ विचारों को भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाहित किया जाए जिसे बाजार समाजवाद कहा गया, मार्केट सोशल रिम कहा गया। तो ये दोनों जो दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे वो दोनों मिलकर एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे बातों को संग्रहण किया और संग्रहण करके मिश्रित इकोनॉमी का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसे भारत में सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों ने अपनाया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, अर्थव्यवस्था के संगठन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।